नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश में पेपर लीक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए लगातार नए कानून बनाने का सुझाव जारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह अध्यादेश इस साल यूपी में पुलिस कांस्टेबल और समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मद्देनजर लाया गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी में इस तरह के कानून को लाया जा रहा है। इससे पहले ही ऐसे ही कानून को, जिसे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 कहा जाता है, उसे 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में लाया गया था। तब से इस अधिनियम को पेपर लीक और भर्ती और परीक्षाओं से जुड़े अन्य ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों में लागू किया जाता है। 1998 के अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थी को 3 महीने तक का कारावास, 2,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कल्याण सिंह सरकार ने ये 1992 में पेपर लीक विरोधी कानून पारित किया था, जिसे 1993 में सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने उसे खत्म कर दिया था। हालांकि जब 1998 में कल्याण सिंह सरकार सत्ता में वापस आती है तो इसे मामूली बदलावों के साथ फिर से लाया गया था। तो वहीं कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने तथा पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह जैसे अन्य पहलुओं को कवर करने के लिए योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कारावास और जुर्माने के अलावा संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। इस कानून में फर्जी प्रश्न पत्रों के वितरण और फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाने को भी अपराध माना गया है। इन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। अध्यादेश में यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरण, निकायों और एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए भी होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। इस अध्यादेश के तहत यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है तो इसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। परीक्षाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए दोषी पाए जाने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डालने का भी प्रावधान किया गया है। इन अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में की जाएगी और इनमें समझौता नहीं किया जा सकेगा। इसमें जमानत के लिए भी सख्त प्रावधान है। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या योगी सरकार के इन कदमों से राज्य में पेपर लीक जैसी समस्या को रोका जा सकेगा या फिर नहीं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ योगी सरकार के इस नए कानून के ऊपर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।